अगर जिस फ़ोटो की मुझे साइज़ और पिक्सल रिड्यूस करनी है, अगर वो फ़ोटो मैं अपने मोबाइल के कैमरा के थ्रू क्लिक करने वाला हूँ, खींचने वाला हूँ, तो पहले से ही मैं कैमरा में जो सेटिंग आते हैं उसमें एक ऑप्शन आता है पिक्चर क्वालिटी, उसे मैं हाई या स्टैंडर्ड के बजाय लो कर दूंगा, जिससे पहले से ही मुझे उसकी साइज़ और पिक्सल थोड़े कम मिलेंगे, जैसे हाई या स्टैंडर्ड के कंपेरेटिवली। तो उसके बाद मुझे जो फ़ोटो एडिट करनी है, उसकी साइज़ रिड्यूस करनी है, पिक्सल रिड्यूस करनी है, वो सिलेक्ट करूँगा। अगर मैं इसकी डिटेल देखूँ तो इसकी साइज़ है 2.41 MB और पिक्सल जाहिर सी बात 3888x2592 पिक्सल। अगर वो कम करने के लिए मुझे पहले तो जूम आउट, जैसे हम कोई भी चीज़ करती है दो उंगलियों के ज़रिए, जूम आउट करने के बाद हमें एक स्क्रीनशॉट लेना है। तो यह स्क्रीनशॉट हो जाने के बाद उसे क्लिक करना है और उसे हमें सिलेक्ट करना है, क्रॉप करना है, जितना फ़ोटो हमें अपलोड करना है, जितना चाहिए हमें फ़ोटो, वो फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद हमें ओके करना है, फिनिश करना है। और अगर हम उसकी साइज़, उसकी डिटेल में जाके देखें तो उसकी साइज़ है 50 KB से कम। जनरली फ़ोटो अपलोड की साइज़ 50 KB से कम है जो हमें मिल गई, और पिक्सल है 301x449 पिक्सल। अगर फिर भी अगर हमें उससे भी कम पिक्सल और साइज़ चाहिए, तो हम फिर से इसको एडिट करेंगे, एडजस्ट में होकर जैसे भी क्रॉप करना है, तो हमें थोड़ा सिलेक्शन कम कर देना है कि हमें उसकी साइज़ और पिक्सल दोनों थोड़े और कम मिले, कि हम उसका जो क्राइटेरिया अपलोड के लिए जो क्राइटेरिया उसे हम फुलफिल कर सकें। तो फिर से हमें क्रॉप करना है, तो क्रॉप करने के बाद अभी हम डिटेल देखें तो उसके पिक्सल से 235x413 पिक्सल एंड उसकी साइज़, तो हमें शायद हम क्राइटेरिया तक पहुंच सकें। अगर फिर भी कुछ दिक्कत हो तो फिर से एक बार हमने जो स्टेप दोहरा है, फिर से जूम आउट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, और जूम आउट ज़्यादा कीजिए और एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तो अच्छी तरह से वो हो जाएगा और हम अपने फ़ोटो आसानी से विदाउट एनी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के बजाय जुगाड़ू तरीके से हम अपने